हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री विजार्ड BAU। आज हम लोग एक वीडियो के साथ आए हैं मोहित सर के साथ, जो हमें अभी जो रिसेंटली इफको का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नैनो यूरिया, उसके बारे में बताएंगे और ये प्रोडक्ट कैसे मार्केट में हलचल ला सकता है, क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या क्यों इसे एक रेवोल्यूशनरी चेंज बोला जा रहा है। तो ये सब जवाबों के लिए हमारे साथ मोहित सर आज यहाँ आए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बॉस। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। तो बॉस एक चाहेंगे कि आप अपने एक जो नैनो यूरिया जो नया प्रोडक्ट अभी इफको ने लॉन्च किया उसका एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें वीडियो को। सबसे पहले तो ये अपने जूनियर सत्यम को और रौनक को थैंक्स कहते हैं कि जो इस बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये लोग लिया है और इस तरह का जो है वो चैनल डेवलप किया है और हमको ये मौका दिया कि ये जो इफको का जो नया नैनो यूरिया आया है इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज है वो सबों के बीच जो है मैं दूं। तो सबसे पहले नैनो यूरिया के बारे में मैं ये बता दूं कि नैनो का मतलब होता है एक साइज है। नैनो नैनो मतलब होता है 10^-9 मीटर, वो नैनो हुआ। तो ये बेसिकली यूरिया ही है। यूरिया में बेसिकली नाइट्रोजन होता है और यूरिया का जो अगर आप ग्रेन्यूल्स देखेंगे वो मोटे मोटे दाने के रूप में होता है यूरिया, और उसका जो साइज होता है वो लगभग 1 mm का डायमीटर होता है वो ग्रेन्यूल्स का। लेकिन ये जो नैनो यूरिया ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें नाइट्रोजन्स के पार्टिकल को नैनो के साइज का नैनोमीटर के साइज में रखा गया है। मतलब आप नैनो को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर के स्केल को 1 अरब भाग में बांट दीजिए, 1 अरब, 1 अरब भाग में अगर आप 1 मीटर के स्केल को तोड़िएगा तो जो एक भाग होगा, 1 अरबवां भाग का जो एक भाग होगा उतना छोटा साइज को एक नैनोमीटर बोलते हैं। तो बस ये एक लिक्विड फॉर्म में एक नैनो नाइट्रोजन है जिसमें नैनो की नाइट्रोजन का जो साइज है वो एकदम 32 नैनोमीटर है, जो नाइट्रोजन पार्टिकल्स है, यही है बेसिकली नैनो यूरिया। तो बॉस, अब जैसे कि ये प्रोडक्ट आया है तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियस सा रहता है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको फार्मर हाँ, अपने प्लॉट में कैसे डाल सकते हैं। नैनो यूरिया की जहां तक एप्लीकेशन का बात है तो जहां भी जो भी किसान जहां यूरिया इस्तेमाल करते थे उसके जगह पे जो है वो इस नैनो लिक्विड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो कोई भी किसान अगर क्रॉप्स लगाता है तो सबसे पहले एक बेसल डोज नाइट्रोजन का देता है ना। तो बेसल डोज जो देता है वो तो उसको ट्रेडिशनली जो हमारा यूरिया है उसी के फॉर्म में उसको देना होगा, क्योंकि वो तो अभी फसल मिट्टी को उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ताकि बीज से अंकुरण करे और पौधा बड़ा हो। जब जो 50% जो हमारा बेसिक रूल है कि जब बेसल एप्लीकेशन में 50% नाइट्रोजन का डोज हमें देना है, ठीक है, तो वो तो 50% जो ट्रेडिशनल नाइट्रोजन है वो किसान को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 50% नाइट्रोजन जो यूरिया के फॉर्म में किसान दे दिया और जब फसल अंकुरण हो गया और जब उसमें पत्तियां आने लगी तो पत्तियां आने के बाद से यहाँ पे उसका एप्लीकेशन चालू होता है। ये फोलियर एप्लीकेशन इसका होगा, पत्तियों में छिड़काव होगा, है ना। जिस तरह से आप कीटनाशक और फफूंद नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं फ्लैट नोज पैनल से, जो स्प्रे नैपसैक स्प्रेयर से जो स्प्रे करते हैं, उसी प्रकार से नैनो यूरिया नैनो नाइट्रोजन लिक्विड का जो है वो स्प्रे होगा पत्तियों के ऊपर। मतलब कि इसका और हम लोग को बेसल डोज नहीं देना, ये फोलियर एप्लीकेशन बाद में होगा। हाँ, ये बेसल डोज के लिए अभी फिलहाल नहीं है। बेसल डोज आपको ट्रेडिशनल जो यूरिया है उसी का किसान को देना होगा 50% जो है। बाकी का जो 50% नाइट्रोजन की जो यूज है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो आपको नैनो यूरिया पूरा कर देगा। क्योंकि इसका फोलियर एप्लीकेशन होना है तो पत्तियां ही जब तक नहीं आएंगी तब तक हम स्प्रे किस पर करेंगे। तो पत्तियों को तो विकास होने तक तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो फिलहाल तो ट्रेडिशनल जो हमारा यूरिया है उससे ही देना होगा। लेकिन खास बात यह है, ये जो 50% बाकी का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो ये नैनो यूरिया पूरा कर देगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सर, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई और एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न दूर किया है अब लोगों के बीच में कि उन्हें सिर्फ नैनो यूरिया पे ही आश्रित नहीं रहना है।
उन्हें जो यूरिया जो रेगुलर जो इस्तेमाल करते हो वो भी लेना है, और साथ में ये फोलियर एप्लीकेशन के लिए नैनो यूरिया को लेना है। हाँ, ट्रेडिशनली जो यूरिया है बस एक ही बार बेसल के समय देना है बस। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सर ये जो यूरिया जो हम लोग रेगुलर जो यूज़ करते हैं और ये जो नैनो यूरिया जो नया बना है वो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? देखो बेसिक बहुत तरह का डिफरेंस है। नैनो यूरिया जो है, नैनो जो यूरिया, नैनो नाइट्रोजन जो है इफको का, और जो ट्रेडिशनली जो यूरिया है, दोनों में बहुत अंतर है। अब देखो, सबसे पहला वो ग्रेनुलर फॉर्म में है और जो है वो ये लिक्विड फॉर्म में है। और दूसरी बात ये कि जो ट्रेडिशनली जो यूरिया है, इसका कुछ कुछ मैं पॉइंट्स वाइज बाइफर्केट कर देता हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस का कवर एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि अभी बहुत सारा चल रहा है कि जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर में यूरिया का एक्सेसिव यूज होता है, ये बात सब मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं। हम खेतों में जाते हैं तो किसान जो है वो अंधाधुंध प्रयोग करता है इसका, यूरिया का, जो कि आइडियल रेशियो है 4:2:1, लेकिन ऑन एन एवरेज देखिएगा कि रेशियो 8:2:1 उतना हैवी यूज करते हैं यूरिया का। उससे क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी जो है वो पोल्यूट हो रही है, और उससे ये दो तीन तरह का पोल्यूशन तो वो यूरिया ट्रेडिशनल कर दे रही है। एक तो हमारी सॉइल का यूरिया एक्सेसिव यूज करने से पीएच बढ़ता है, जिससे जो यूजफुल जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और हाई पीए लो पीएच में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट अपटेक करता है सॉइल से वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। जो लीच आउट करके जो नाइट्रोजन घुल के जमीन के नीचे चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर जो रिजर्वायर है उसको पोल्यूट कर रहा है। और जो वोलाटाइल होके उड़ जाता है नाइट्रोजन खेत में से, यूरिया जैसे छींटते हैं तो वो गल जाता है 1-2 घंटे के अंदर जो यूरिया, तो वास वोलाटाइल होके जो ऊपर जो यूरिया जा रहा है नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में जाता है, वो ग्रीन हाउस कर रहा है। तो मतलब देखा जाए कि और 30 से 40% ही यूज इफिशियंसी है। अगर 100 किलो खेत में डाला गया तो 30 किलो ही हुआ, बाकी 70 से 60 किलो तक जो है वो समझो वेस्ट हो गया, यही रीच आउट हो गया, वोलेटाइज हो गया, वो वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इस ये सब, और वो इको फ्रेंडली भी नहीं है, वो चूंकि केमिकली प्रोसेस है, पूरा बिल्डअप है, वो इको फ्रेंडली नहीं है, और जो है वो सॉयल हेल्थ के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जो यूरिया का जो यूज है उसको हमें घटाना है। अब इसके उलट अगर नैनो की बात करें तो ये सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, ये बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरिया जो यूजफुल बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में है, उनको ये हार्म नहीं करती है, ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। और जो है इसको बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक है। इसलिए ये डिबेटेबल भी इश्यू है कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। कुछ लोग इसे ऑर्गेनिक मानते हैं, कुछ लोग इसे इनऑर्गेनिक मानते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऑर्गेनिक है लेकिन प्रोसेस केमिकल है, तो आप इसे पार्शियल ऑर्गेनिक कह सकते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है। कुछ स्टेट ऑर्गेनिक मानते हैं, कुछ स्टेट इसे इनऑर्गेनिक मानते हैं, तो ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल इश्यू है कि, लेकिन बहुत सारे एजेंसियों में जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है वहां पे इसका वो भेजा जा चुका है, तो अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से मिल जाती है तो ये फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो जाएगी ये नैनो यूरिया। अब ये तो हो गया, ये किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं करेगी, ना सॉयल में, ना वोलेटाइज होने का कोई चक्कर नहीं है। और जो है 50% तो कम से कम जो ट्रेडिशनली यूरिया जो यूज करते थे किसान, उसका जो है वो उसका भरपाई जो है वो नैनो यूरिया कर देगी। और प्लस गवर्नमेंट की हैवी सब्सिडी रहती है ट्रेडिशनल यूरिया में, ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बैग यूरिया को बनाने में लगभग 700 से 800 रुपए खर्च होती है, लेकिन किसानों को वो उपलब्ध होता है 266 या 265 रुपए में। बाकी का जो बीच का जो गैप है वो गवर्नमेंट बियर करती है, लगभग 500 से 550 रुपए गवर्नमेंट बियर करती है जो सब्सिडी के रूप में मिलता है। लेकिन ये जो नैनो यूरिया है इसका प्राइस मात्र 240 रुपए पर 500 ml बॉटल है, जो कि एक बैग यूरिया के बराबर है। तो समझिए कि वो कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की बच रही है, और सब्सिडी का पैसा हमारा आपका है, जो भी टैक्स पेयर है वो हमारा ही पैसा है, तो सब्सिडी का भी पैसा गवर्नमेंट का हम इसमें बचा रहे हैं। इको फ्रेंडली भी है, यूज जो है वो नाइट्रोजन जो ट्रेडिशनली यूरिया है उसका यूज इफिशियंसी 30 से 40% है ट्रेडिशनल का, लेकिन इसका यूज इफिशियंसी 80%, 80-90% इसका यूज इफिशियंसी है। ये भी एक मेजर बात है। तो जहां किसी भी पॉइंट ऑफ एंगल से देखा जाए तो बहुत ही ह्यूज बेनिफिट है, और एक ये रेवोल्यूशन ला सकती है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक प्लस पॉइंट है, आपको यूरिया जो कैरिंग के लिए जो भी तरह की परेशानियां होती है, अगर ये एक
बैग पूरा समझो, एक पॉकेट में तुम्हारा एक बैग आ जा रहा है लिक्विड के फॉर्म में। एक बैग जो किसान ले जा रहा है वो बस पॉकेट में घुसा सकता है, 500 ml की जो बॉटल है। तो ट्रैक्टर जो है वो बैग्स के जो यूरिया किसान ले जाते थे उनका जो उसका खर्च होता था वो इसमें बचेगा, क्योंकि वो उसका कैरिंग कुछ है ही नहीं, वो बॉटल है। बॉटल को तो कहीं भी बाइक वगैरह से या ऐसे भी हाथ में भी वो किसान ले जा सकते हैं, और ऐसे उनका जो व्हीकल जो यूज करते हैं ले जाने आने में उनका उसका खर्च बचेगा। जो प्राइस रखी गई है 266 रुपए, लेकिन 266 में चूंकि अवेलेबल हो नहीं पाती है, वो किसान तक आते आते लगभग 290, 280, 300 तक भी चली जाती है। पीक सीजन में तो 300 प्लस भी यूरिया का प्राइस हो जाता है। इसका 240 MRP है, प्राइस भी कम है, कैरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, इको फ्रेंडली है, यूज इफिशियंसी भी हाई है। तो इतने तरह के बेनिफिट्स जो है वो नैनो यूरिया के, और वर्ल्ड में सबसे पहली बार जो है वो नाइट्रोजनस, नैनो नाइट्रोजनस का फर्टिलाइजर जो है वो इफको के द्वारा लाया गया है, ये विश्व में पहली बार है। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इफको और इंडिया दोनों के लिए है। और जैसे कि आपने बहुत सारे बेनिफिट्स जो एडवांटेजेस है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इसमें हमें ये भी देखने मिला कि ये जो है एडवांटेजेस सिर्फ फार्मर के लिए नहीं, गवर्नमेंट, टैक्स पेयर, सबके लिए है। तो एक ओवरऑल, इसीलिए इसको इतना रेवोल्यूशनरी बोला जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ सर ने बताया। अगला हम लोग आपसे जानना चाहेंगे सर कि इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है। एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग जानते भी है कि कैलकुलेट होता है फार्म का होता है, तो इकोनॉमिकली आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि इसका क्या बेनिफिट आ रहा है? जहां तक इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की बात है, तो वो तो यही है कि किसानों का इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब किसानों का हमें पैसा बचाना है, इनपुट में जो भी उनकी लागत होती है उसको कम करना। तो इसका प्राइस जो है वो 240 रुपए है, और वो एक बोतल 500 ml की एक बोतल आती है नैनो यूरिया की, अब वो बराबर एक बोरे के बराबर है, और जो है वो पूरे पूरी 1 एकड़ खेत का के लिए जो है वो सफिशियंट है, वो मात्र 500 ml का बोतल। तो एकदम ऑब्वियस है कि ये इकोनॉमिकल तो पूरी तरह से किसान के लिए, हमारे लिए किसान के लिए इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमिकल है, सब्सिडी बच रही है, तो ये पूरी तरह से इकोनॉमिकल ही है, किसानों का बहुत पैसा बच रहा है। सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है इसके इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब सर हम ये जानना चाहेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, क्या इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के साथ मिला के भी दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग को अलग से स्प्रे करना पड़ेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बता दो, ये जो इसका डोज है नैनो नाइट्रोजन का, ये डोज है लगभग 4 ml प्रति लीटर। एक जो नैपसैक स्प्रेयर होता है जो जनरली किसान यूज करते हैं वो 15 लीटर या 16 लीटर का होता है। तो अगर 15 लीटर का जनरली देखा जाता है जो नैपसैक स्प्रेयर जो किसान यूज करते हैं, तो 60 ml जो है वो एक टंकी में पूरी जाएगी। ठीक है, 60 ml एक टंकी में इसका डोज होगा, बस उसी को लेके स्प्रे कर देना है, और 1 एकड़ के लिए लगभग 125 से 130 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और ये खास बात ये है कि ना, नैनो की जो बॉटल आपको मिलेगी वो नापने का भी जरूरत नहीं, वो बॉटल में ही वो मेजरिंग का वो इंडिकेशन दिया हुआ है कितना उसमें होगा, तो वो किसान जब बॉटल लेंगे तो उसका जो ढक्कन होगा उसमें ही मेजरिंग का वो सारा लिखा हुआ है, वो आराम से उससे यूज करके वो मेजर करके 60 ml एक टंकी में डाल सकते हैं। तो एक टंकी में 60 ml, 60 से 65 ml तक डाल सकते हैं नैनो नाइट्रोजन। ये तो वो जनरल एप्लीकेशन का बात हो गया। जहां तक बात है कि इंसेक्टिसाइड हुआ या कोई भी टॉनिक हुआ उसके साथ मिला करके नैनो नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो ये एक जो है वो पूरी लिस्ट इसकी जो है वो निकलेगी। और ऐसे तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के लिए ये कॉम्पेटेबल है कि इंसेक्टिसाइड भी मिला करके वो नैनो यूरिया भी मिला करके, और कोई टॉनिक भी है जैसे हमारा एक सागरिका टॉनिक है, तो टॉनिक भी एक ही साथ मिला करके स्प्रे कर देते हैं। ऐसे किसान तो फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड तो स्प्रे करते ही हैं, फील्ड पे अपने सब्जी के लिए या कोई भी फसल है उसमें स्प्रे करते हैं, तो ये उसके साथ मैक्सिमम के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन 3-4 दिन के अंदर जो है वो पूरी एक चार्ट ही आ जाएगी किसके साथ कंफर्टेबल है या किसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसका एप्लीकेशन कब कब करें। सबसे पहले जब पौधा जो है वो जब 30 से 35 दिन का हो जाएगा, जब उसमें पत्तियां आ जाएंगी, तो उस समय इसका एक एप्लीकेशन करना है वो 60 ml प्रति टंकी या 4 ml प्रति लीटर के डोज से। और जब जो है वो फूल आने से, फ्लावरिंग स्टेज से या फूल आने से 1 सप्ताह पहले इसका एक और एप्लीकेशन करना है, मतलब पौधे पे 2 बार एप्लीकेशन होगी। मतलब जो ऐसे भी किसान 2 बार टॉप ड्रेसिंग करते थे बेसल एप्लीकेशन के बाद, तो जिस तरह से यूरिया देते थे खेत में बस उसी प्रकार से इसका खाली स्प्रे कर देना है। तो
पहला स्प्रे जब पत्तियां आ जाएंगी उसमें 30 से 35 दिन के बाद, और दूसरा जो स्प्रे करेंगे वो फ्लावरिंग से 1 सप्ताह पहले जो है, या 3-4 दिन पहले जो है, फ्लावरिंग के 3-4 दिन पहले वो इसका दूसरा स्प्रे कर देंगे। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने ये बहुत जगह पढ़ा है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो यूरिया ग्रैन्यूल्स यूज होता था तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि लीचिंग हो जाता था, वोलेटलाइजेशन लॉस होते थे या एटमोसफेयर में लॉस हो जाता, तो इसमें भी हम फोलियर एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें भी कोई तरीका का लॉसेस होगा या फिर ये उस सब को कवर कर लेगा? इसकी जहां तक यूज इफिशियंसी है वो तो 80% इसका यूज इफिशियंसी है। तो कोई भी चीज 100% तो खैर जितना आप स्प्रे करेंगे तो कुछ मिट्टी स्प्रे अगर से अगर स्प्रेयर हो रहा है तो कुछ मिट्टी में गिरेगी, कुछ पौधे के पत्तियों में गिरेगी, तो ये तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, लेकिन इसका यूज मतलब यूज जो इफिशियंसी है वो बहुत हाई है, 80-90% है। मतलब जितना आप स्प्रे करेंगे उसका 80-90% प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी 20 से 10% ही लॉस होगा। ये बहुत ही मतलब बहुत ही हाई इसका यूज इफिशियंसी है। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो नैनो जो ट्रेडिशनल यूरिया जो किसान यूज करते हैं तो वो पहले मट्टी में देते हैं, मट्टी वो में वो घुल करके जो है वो जो है तब फिर पौधे के जड़ के माध्यम से जो है वो पौधे तक पहुंचता है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं है। आप समझिए कि आप जो है सो ए को पैसा देना है बी को, लेकिन इसमें दो मेथड है, या तो ए दे पहले सी को फिर सी दे बी को वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, या ए डायरेक्टली दे दे बी को, लेकिन अगर सी के थ्रू जाएगा तो सी तो कुछ अपना कमीशन रख ही लेगा तब देगा बी को, है ना। तो वही बात हो जा रही है कि पहले यूरिया जा रहा है मिट्टी में, फिर मिट्टी से जड़ के थ्रू प्लांट ले रहा है, तो वो डायरेक्ट प्लांट में डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या प्लस पॉइंट है, इसीलिए इसकी यूज इफिशियंसी हाई है, मिट्टी में तो बहुत सारा लॉस हो जाता है। इसका स्प्रे डायरेक्ट पत्तियों पे होता है, पत्तियों पे स्टोमाटा है होता है, हाइड्रोथोर्स होता है, ट्राइकोम्स होते हैं, वो स्टेम में भी बहुत सारे वो गैप्स होते हैं। चूंकि ये नैनो इतना छोटा पार्टिकल है वो पत्तों पे जो है वो डायरेक्ट आयन एक्सचेंज के माध्यम से वो नैनो नाइट्रोजन का पार्टिकल वो इंटर कर जाता है। मतलब आप स्प्रे करते हैं और वो प्लांट के डायरेक्ट पत्तियों के थ्रू वो अंदर चला जाता है, इसलिए इसका यूज इफिशियंसी हाई है। तो ये जो है वो किस तरह से पौधे के अंदर नैनो जाता है, नैनो नाइट्रोजन का, वो ये चीज है कि वो पत्तियों के माध्यम से वो जो स्टोमाटा का वो जो भी छोटे छोटे छेद होते हैं वो इससे भी इतना छोटा है कि वो उन छेद के माध्यम से वो पौधे के अंदर डायरेक्ट चला जाता है और वो पूरा प्लांट जो है वो उसको नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। तो धन्यवाद सर। सर ये जानना चाहेंगे क्या आगे चल के ऐसा हो सकता है कि इफके को द्वारा और भी इस तरह के फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया की तरह फर्टिलाइजर और भी बनाया जा सकता है? हाँ ये बेशक हो सकता है। अब तो नैनो यूरिया के जो है सो बहुत दिन से हमारी ट्रायल चल रही थी और ये जाकर के फाइनली फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो उसमें भी नैनो यूरिया इंक्लूड हो चुका है, तभी ये मार्केट में बस एक अगले मंथ से, या बस इसी अगले मंथ क्या इसी मंथ से जो है वो मार्केट में किसानों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और जिस प्रकार से नैनो नाइट्रोजन आया है उसी प्रकार से काम चल रहा है नैनो डीएपी पे भी, कि जो है फ्यूचर में जो है वो नैनो डीएपी भी आ सकता है, नैनो जिंक और नैनो कॉपर इन पे भी काम चल रहा है, इन पे तो खैर ट्रायल भी हुआ है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो नैनो नाइट्रोजन की ही हम लोगों को परमिशन दी है सेल करने के लिए, इसको जो है सो ऑफिशियल गैजेटी में इसका बशर्ते पब्लिकेशन होके फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में ऐड हुआ और काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया। एक चीज और, जो यील्ड में जो इसकी जो ग्रोथ है वो पूरा ऑल ओवर ऑल इंडिया ट्रायल से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे केवीकेज में, आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस में, और इफको के खुद भी फार्मर्स के प्लॉट पे जितने ऑल इंडिया ट्रायल्स कराए गए तो ऑन एन एवरेज 8% जो है वो यील्ड की ग्रोथ देखी गई है, 8% आपका जो है वो उपज भी बढ़ेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है नैनो यूरिया का, इसमें एक तो आप एप्लीकेशन कम कर रहे हैं सॉइल में, दूसरी तरफ आपका ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो ये तो किसान के लिए पूरी तरह से जो है सो एकदम फायदे का सौदा है। और इस पे तो, और जैसा कि मैंने बताया कि नैनो डीएपी और नैनो कॉपर जिंक पे भी अब भविष्य में जिस तरह से होगा ट्रायल और रिसर्च के माध्यम से मार्केट में गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से वो फिर आएगा। तो मतलब किसानों को ये बहुत जल्दी मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें कहीं से भी ये अवेलेबल हो सकता है।
हाँ, इसको जो है सो वो जो भी आपके नज़दीकी जो स्टोर्स हैं, जो भी रिटेलर या फिर जो भी आपके नज़दीकी में जो भी दुकान है, अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो एक आप जो है वो इस इफ्को की एक ये भी प्लस बात है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करवाती है। आप www.ifcobazaar.com पे वो जा करके जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो एमआरपी है, और ये जो है वो इंडियन पोस्ट के साथ इफ्को की एक टाई अप है जिसके कारण वो डिलीवरी चार्ज फ्री है फार्मर्स के लिए। वो जो एमआरपी होगी उसी एमआरपी पे जो है वो किसान को मिलेगा और वो डिलीवरी चार्ज किसी भी तरह के उसको नहीं लगेगी, और वो बाय के थ्रू भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, नैनो यूरिया और भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जो भी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां से भी मंगा सकते हैं, और नहीं तो लोकल स्टोर्स में भी अब आना शुरू हो जाएंगे, वहां से भी खरीद सकते हैं, इफको ही बाजार से खरीद सकते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां से खरीद सकते हैं। तो मोहित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बहुत ही अच्छा से सब चीज आपने बताया कि कैसे इफको का ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो किसान, मतलब आप कह सकते हैं एक मुहावरा के थ्रू कि घी टेढ़ी उंगली से निकाल रहे थे, अब वो डायरेक्ट सीधी उंगली से निकाल सकते हैं और इससे पौधों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है क्योंकि ये इंडिया ने पहली बार किया है और इफको ने इसे पॉसिबल बनाया है। और इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है हमारे शरीर में भी, जो है वो ये पूरी तरह से बायो सेफ है। इसका भी वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पूरी तरह से इसका टेस्टिंग ट्रायल किया गया डीबीटी में, और जो है वहां से भी ये खरी उतरी है, और जो है वो टॉक्सिक लेवल जो है इसमें ना के बराबर, मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। लेकिन स्प्रे करते समय चूंकि ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि जब भी वो स्प्रे करें तो ग्लव्स जो है वो हाथों में पहने, और जो है वो गॉगल्स भी अगर जो होती है वो स्प्रे करने वाली वो भी पहन के तब सेफ्टी के साथ जो है वो इसका स्प्रे करें। तो मोहित सर, आप हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि हमने एक माध्यम सोचा लाने का जिससे हम लोग ये नैरो यूरिया के बारे में सबके बीच में प्रचार कर सके और उन्हें के बीच में अवेयरनेस ला सके कि ये क्या है, तो आप हमारे बारे में इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस के माध्यम से जितने भी दर्शक या जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत तरह का उसको बेनिफिट मिलेगा। हमारे किसान भाइयों को जो है वो एक नई तकनीक जो कि पहली बार आई है, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए ताकि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकों के बारे में अवेयर हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो भविष्य में भी और होने चाहिए। धन्यवाद सर हमारे इस इनिशिएटिव को की सराहना करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।